हमारे साथ दो स्टुलिप स्टेडियम के दो सुपरस्टार खिलाड़ी मौजूद हैं, साहिल गांधी और आज के सेंचुरियन बल्लेबाज मिस्टर सिद्धार्थ। बेहतरीन बल्लेबाजी की आज सिद्धार्थ ने। तो मेरा आज पहला क्वेश्चन सिद्धार्थ से रहेगा कि आप इस टुलिप में दूसरा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो अभी नए मेंबर भी बने हैं, तो आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस किस प्रकार का रहा, यहाँ का माहौल, एवरीथिंग, कृपया। तो आज आपने सेंचुरी भी बनाई, कृपया उसके बारे में मैं सिद्धार्थ लॉरेंस से गुजारिश करूंगा कि वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक द मैनेजमेंट, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है हमारे यहाँ पे ट्यूलिप में। और ट्यूलिप में खेलना ऐसे लगता है जैसे हम घर में खेल रहे हैं, और घर से बेहतर इस दुनिया में कौन सी जगह होती है। तो दैट बीइंग सेड, बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा पहला सेंचुरी है यहाँ पे ट्यूलिप में। एंड आई वुड लाइक टू गिव द क्रेडिट टू माई टीम एंड टू द स्पॉन्सर्स, जिन्होंने मुझे मेरे पर भरोसा करके मुझे रिस्पॉन्सिबल जगह पर भेजा ताकि मैं इनिंग्स बिल्ड कर सकूँ। और बहुत अच्छा लगा, तगड़ी टीम के खिलाफ रन मार के उसका मजा ही कुछ और होता है। थैंक यू। और उसके बाद हमारे पास इस टूर्नामेंट के सबसे तेज तराज गेंदबाज, हालांकि बल्लेबाजी में भी बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं, लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं, इस टूर्नामेंट में अभी क्लिक नहीं कर पाए, पर मेरे को उम्मीद है कि जिस दिन इनका बल्ला बोलेगा तो मैच का नतीजा ही कुछ अलग कर देते हैं ये। तो इनका इस टूलिप में ये बहुत क्रिकेट खेलते हैं, ये छोटे छोटे छह छह ओवर के टूर्नामेंट भी खेलते हैं, वहां पर हिलने नहीं देते बल्लेबाज को, तो इनका एक्सपीरियंस यहां पर कैसा? साहिल गांधी, फर्स्ट ऑफ ऑल सत श्री अकाल सारे, बहुत अच्छा लगता इतने खेड के, एक्सट्रॉर्डनरी फीलिंग जी आती है। टूर्नामेंट बहुत खेडे जिंदगी च, मीनस भी घट्टो घट 20 साल हो गए है लगातार खेडते पे, बट इतने एक एक्सट्रा जहा, मैं होर किसी ग्राउंड च बठिंडा च खेडन जाता ही नहीं, या तो मैं टूर्नामेंट वाले खेडन जाना या मैं इतने फील आती है भी घर के नेड़े है, तो सारे जानकार बंदे है, कुछ माहौल जहा इन्ना वधिया, एटमोसफियर वधिया, LED लगी हुई है, बहुत ही मतलब दिल खिचवा जहा सारा माहौल है, बहुत ही चंगा लगता है। तो थोड़ी गल विच है भी हजे तक क्लिक नहीं किया, रब नूं दुआ करदा अज वो क्लिक हो। तो उसके बाद मैं एक काबिलियत होती है हर खिलाड़ी में, सिद्धार्थ लॉरेंस से उनके जैसे एक निक निक छोटा सा वो बताना, काबिलियत क्या है साहिल गांधी की? काबिलियत आपको, आपके पास जस्ट 20 सेकेंड, उसमें आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करनी होगी। देखिए, सारी दुनिया को पता है स्पीड, ठीक है, मैं कहता हूँ एटवेल या यॉर्कर मारते हैं, बहुत अच्छी अच्छी यॉर्कर्स मारी आज इन्होंने, मेरे को एक ओवर में 3-3 यॉर्करें मारी हैं। और उसके बाद इस टूर्नामेंट में बेहतरीन ऑलराउंडर खेल रहे हैं, तो मैं अब साहिल गांधी से पूछना चाहूंगा, दिलबाग, हरप्रीत संधु और सचिन, ये तीनों में से आपको बेस्ट प्लेयर कौन लगता है और इसमें सबसे डिफिकल्ट खेलना किसको है? देखिए, तीनों नाम बहुत बहुत बड़े नाम लिए हैं आपने इस क्रिकेट में। दिलबाग भी बहुत अच्छा खेलता है, संधू पाजी भी बहुत अच्छा खेलते हैं, और सचिन तो एक मतलब 10,000 से ऊपर रन मार चुका है, बहुत ही अच्छा प्लेयर है। बट अगर आप बॉलिंग की बात कर रहे हो, अगर बॉलिंग में मैं कहूँ तो आई थिंक संधू पाजी इज द बेस्ट। उन्होंने खेलना थोड़ा जा डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा जा टच अ बिट डिफिकल्ट, उन्होंने ऐसा होता भी चलो सी ऑफ कर दिए एंड आई कैन अटैक द अदर बॉलर। और उसके बाद इस टूर्नामेंट में 140 प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सिद्धार्थ लॉरेंस से मैं पूछना चाहूंगा, आपको छक्के मारना सबसे जो होता है ना, ये बोलो राजे इसको मैं 6 छक्के 4 छक्के ओवर मारूंगा, छक्के मारना किसको पसंद करते हो? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, मैं जिस प्लेयर का नाम लूंगा वो मेरा बहुत क्लोज मेरा फ्रेंड है, और कभी भी कहीं टूर्नामेंट होता है वो कोशिश करता है कि हम साथ में खेलें, और मेरे उसके बीच में जो बैंटर होता है वो पूरे बठिंडा शहर में किसी के बीच में नहीं होता, तो जस्ट फॉर द बैंटर सेक मैं सचिन को कहता हूँ कि तू सामने और मैं तेरे को खेलूंगा। चलो, मेरा इस इंटरव्यू के थ्रू सचिन भाई को एक मैसेज है कि जब सिद्धार्थ लॉरेंस बल्लेबाजी करने आएगा, इनका आपके साथ मैच होगा, तो आपने गेंदबाजी करनी है और सिद्धार्थ आपको फेस करेंगे, देखते हैं तब मुकाबला देखने वाला होगा। और उसके बाद आखिरी सवाल है मेरा साहिल गांधी से कि इस टूर्नामेंट के 5 बेस्ट प्लेयर कौन से? 140 प्लेयर इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 10 टीमें हैं, तो 5 बेस्ट प्लेयर का नाम बताएंगे साहिल? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट मेरे अकॉर्डिंग है, मतलब मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, भी ऐसा नहीं कहता भी वो अच्छा है वो माड़ा, मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो 5 प्लेयर इस टूर्नामेंट में टॉप मोस्ट खेल रहे हैं, वन ऑफ हरजीत बराड़, दिलबाग बराड़, एंड आई वुड से
It's quite difficult, but अक्षय दीपक जी का बेटा अक्षय, आई वुड से अपकमिंग स्टार है, बहुत अच्छा खेल रहा है दीपक जी का बेटा अक्षय। एंड एक और बंदा जो मैं किसी को शायद एक्सपेक्ट नहीं करेगा, जसविंदर सिद्धू मेरी टीम में है, उनको बॉलिंग करनी बहुत डिफिकल्ट है, उनको खुद को नहीं पता अभी वो क्या चीज है। एंड लास्ट वन इज ही इज द मैन फ्रॉम अनदर प्लेनेट, किसी और प्लेनेट से आए हैं, दैट इज हरजीत संधू, हरप्रीत संधू सॉरी, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर, उनको बॉल डालना, उनको खेलना काफी डिफिकल्ट है। और थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ लॉरेंस एंड साहिल गांधी, और बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे मैच।